मैं खाना चाहती थी लेकिन मुझे केवल एक पिज्जा मिला है। बड़े अफसोस की बात है। मुझे भी तुम्हारे लिए खेद है लेकिन कितना अच्छा है कि मेरे पास बहुत पिज्जा है। तुम्हारे पास? तुमने मेरा टावर अब तक नहीं देखा है। देखो यहाँ कितना सारा पिज्जा है कि आसमान को छू रहा था। लेकिन सबसे पहले वही खाएगा जो सबसे कम भाग्यशाली है, वो है डायना। बस बहुत हो गया मजाक। मैं जानती हूँ कि मैं पहले खाऊंगी और इससे मैं बहुत खुश भी हूँ। भले ही मेरे पास केवल एक पिज्जा है फिर भी ये बहुत स्वादिष्ट और गर्म है। चीजी स्ट्रेच को तो देखो कितना बढ़िया, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अरे अपना कचरा फेंका मत, देख कर फेंको। क्या फर्क पड़ता है, मुख्य बात है कि इसका स्वाद मुझे अच्छा लग रहा है। बस वह करना बंद करो, बहुत हुआ, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। तुमने मेरे ऊपर क्रस्ट फेंका तो तुम्हें भी क्रस्ट ही मिलेगा। तुम बहुत मजाक किया हो लेकिन केवल इसलिए क्योंकि तुम दोनों मेरे साथ नहीं लड़ रहे हो। खैर मेरा पिज्जा खाने का समय आ गया है। हाँ डायना तुम बिल्कुल सही थी, पिज्जा अद्भुत है आइडिया। मैं जानती हूँ कि इसे सबसे अच्छे से कैसे खाया जा सकता है, इसे एक बरीटो की तरह रोल करके। अब यह सुविधाजनक और स्वादिष्ट दोनों है। कितना स्वादिष्ट लग रहा है। देखो मैं अब तुम्हें दिखाऊंगी कि पिज्जा को सबसे तेज कैसे खाते हैं। ये बहुत अच्छा था। वाह मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक व्यक्ति के मुंह में इतना फिट हो सकता है। बेशक यह हो सकता है, इसके अलावा इस तरह हम लगातार कई पिज्जा खा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई, अब क्या करें? अब तुम्हारा सारा पिज्जा हमारा हो गया और हम इसका आनंद ले सकते हैं। अरे मेरा पिज्जा कहाँ है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने उन्हें बेशर्मी से चुराया है। चुप। हम पर चिल्लाओ मत, हम वास्तव में भूखे हैं। आखिरकार वो समय आ गया है जब मैं अपना पिज्जा को खा सकती हूँ। मैं इसका लंबे समय से इंतजार कर रही थी। टावर सरल नहीं बल्कि बहुत स्वादिष्ट है। सॉसेज रह गया। सिर्फ एक टिक टैक, एक कैंडी कैसे खा सकते हैं? मेरे पास एक पूरा डब्बा है। देखो डायना के पास क्या है। हाँ मेरे पास बहुत है, ये सिर्फ एक डब्बा नहीं है, ये टिक टैक का एक पूरा विशाल बैग है। ये बहुत अच्छा है लेकिन लिली पहले खाएगी। मैं जानती हूँ, मेरा टिक टैक कोका कोला के स्वाद का है और मुझे कोला बहुत पसंद है। स्वादिष्ट लेकिन बहुत कम है। मैरी अब तुम्हारी बारी है। अरे मैं हमेशा कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए तैयार हूँ। क्या ये गिर क्यों नहीं रहा है? जल्दी से मेरे मुंह में आओ। हाँ मैरी ने अपनी सारी कैंडी गिरा दी। ऐसा कुछ नहीं है, वे मेज पर बिखरे हुए हो सकते हैं लेकिन फिर भी उन्हें खाया जा सकता है, मतलब स्ट्रॉ की मदद से। मैं खुश हूँ, बहुत स्वादिष्ट था। डायना अब केवल तुम ही बची हो। हुर्रे आखिरकार मेरी बारी आ गई। ये कितना स्वादिष्ट है। हाँ ये स्वादिष्ट है, शायद तुम इसे हमारे साथ साझा कर सकते हो। तुम्हारे पास कितने पैक हैं? साझा करना नहीं, ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं खुद ही इसे मजे से खाऊंगी। कितना खाने का मन है। मुझे इस बात का अंदाजा है कि डायना से कम एक बॉक्स कैसे चुराया जाए। अगर मैं इसके दूसरी तरफ से ले लेती हूँ तो निश्चित रूप से उसका ध्यान नहीं जाएगा। मैरी अपना हाथ अब बढ़ाओ और ये टिक टैक खाओ। अरे तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये मेरी कैंडी है। ठीक है तुम्हारे पास एक है, कुछ कैंडी गन फायर के लिए तैयार हो जाओ। ये लो। अरे बस करो, रुको, हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, रुक जाओ। तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी कैंडी चुराने से क्या होता है। बिल्कुल
बिल्कुल वो हम पर कैंडी की बौछार कर रही है, पर ये बहुत स्वादिष्ट गोली है, हम उन्हें अपने मुंह से पकड़ कर खा सकते हैं। ये शानदार आइडिया है, ये लो। मुझे लगता है कि मेरी गोली खत्म हो गई और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हमारा तो पेट भर गया। अरे मुझे इतने लहसुन की क्या जरूरत है। मैं तुमसे सहमत हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कम मिला है। तुम लड़कियाँ बहुत बदकिस्मत हो, मुझे तो केवल एक लहसुन मिला है, लेकिन तुम इसे पहले खाओगी। तो क्या? मुझे लगता है मैं उससे जल्दी निपट लूंगी। अब मैं सिर्फ इसका छिलका छीलूंगी, नहीं तो इसके साथ खाने में मजा नहीं आएगा। बहुत खूब, छिलने का अच्छा तरीका है। तुम्हें क्या लगता है, अब इसे खाने में मजा आएगा? ओ नहीं, मैं यह नहीं खाना चाहती। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। क्या तुम जानती हो कि तुम्हें क्या मदद करेगा? लहसुन प्रेस। इसकी मदद से लहसुन खाना अब इतना खराब नहीं लगेगा। आओ लिली, अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और लहसुन को निचोड़ूंगी। जी नहीं, धन्यवाद। अच्छा अपना मुंह खोलो, तुम इसे स्वयं नहीं खोल सकते, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो तुम्हें कैसा लगा? स्वादिष्ट। क्या तुम्हें लहसुन पसंद आया? नहीं, ये भयंकर है। मैंने अपने जीवन में इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं चखा है। क्या बदबू है, अब हमें भी इसे सूंघना होगा। लिली, ताकि तुम्हारे मुंह से कचरे की गंध ना आए, इसलिए ये गम ले लो। ओह धन्यवाद, मैं निश्चित रूप से गम को मना नहीं करूंगी, ये मदद करता है। अब लगता है मैंने लहसुन नहीं खाया है। भाग्यशाली हो कि तुम अपना लहसुन खा चुकी हो, और मुझे अभी भी करना है। हालांकि मुझे करने की क्या जरूरत है, ये बहुत सुंदर है। ये बहुत अच्छा होगा कि मैं इसे गले में पहन लूं। नियम के अनुसार तुम्हें इसे खाना होगा, तो तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद कर रही थी कि हार का विचार काम करेगा और तुम गुस्से में हो डायना, लेकिन मैं अभी भी लहसुन को ऐसे नहीं काटूंगी। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। लहसुन को जल्दी और अच्छी तरह से छीलने के लिए मैं इसे ग्लास में डालती हूँ और अच्छी तरह से इसे हिला दूंगी। तब सभी छिलके वही रह जाएंगे और लहसुन सुरक्षित रूप से खाए जा सकते हैं। हाँ लिली, मैं मानती हूँ लहसुन बहुत खराब है। ऐसा लगता है जैसे मैंने कचरा पेटी खा लिया हो। और अब कमरे में ऐसी ही महक आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है कि इतनी गंदी गंध से भी जल्दी से कैसे निपटा जा सकता है। एक एयर फ्रेशनर हमारी मदद करेगा। कुछ भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा जब तक मेरे मुंह से गंध गायब नहीं हो जाती। नहीं तो अब क्या किया जाए? बिल्कुल, अगर तुम्हारी सांसों से बदबू आ रही है तो तुम्हें इसे फ्रेशनर से स्प्रे करने की जरूरत है। यह लो। ओह, ऐसा लगता है कि एरोसोल खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, गंध भी चली गई है। बिल्कुल कोई गंध नहीं है, हालांकि इसका स्वाद भी लाजवाब है। डायना, अब लहसुन खाने की बारी तुम्हारी है। दोस्तों मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मैं ये पूरा गुच्छा नहीं खा सकती, ये बहुत बड़ी है। नहीं, तुम्हें खाना होगा, खाओ, हमें तुम पर विश्वास है। ओह, आशा है कि मैं बीमार ना पड़ूं। तुम सही कह रही हो, मैं मजबूत हूँ, मैं लहसुन की एक दो कलियां सह सकती हूँ। वाह, वह तो छिलके के साथ खा रही है, बहुत खूब। बस थोड़ा सा बाकी है, मुझे उससे निपटना है। अरे आराम से, छिलका मत फेंको, सीधे हमारे ऊपर आ रहे हैं। मुझे परवाह नहीं है, अब मुझे केवल इस बात की परवाह है कि मेरे मुंह से कचरे की डब्बे की तरफ बदबू आ रही है। हाँ, गंध भयानक है, लेकिन मुझे पता है कि क्या हमारी मदद कर सकता है। हम इस बदबू के स्रोत को बंद कर दे तो हम कमरे में ही इसे छुटकारा पा लेंगे। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मदद करो, मुझे बचाओ। मुझे आशा है कि वो जिंदा होगी। बेशक वह जिंदा है, वह सिर्फ बदबू की वजह से बेहोश हो गई है। मेरे साथ सब कुछ ठीक है, मैं जिंदा हूँ, मैं ठीक हूँ। हेलो दोस्तों, वाव, वाह, यह आइसक्रीम मुझे भी चाहिए। वह कौन आया है? हेलो, क्या हालचाल है? कितना हैंडसम है। वाह,
हेलो, क्या हो गया? अच्छा है, अब मैं आराम से तुम्हारा आइसक्रीम खा सकता हूँ। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ये मेरा है। वाह, अब ये आइसक्रीम मेरा है। बहुत अच्छा, दूसरों की चीजें नहीं चुरानी चाहिए। बहुत स्वादिष्ट था ये। किसने किया? तुम इतनी खराब क्यों हो? अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। चलो देखते हैं अंदर क्या है। हाँ बस इतना ही, हम तीनों के लिए सिर्फ एक कुकी। एक्सक्यूज मी, ये काफी नहीं है। हम क्या करेंगे? ओके, मुझे पता है, चलो कार्ड उठाते हैं। ओ, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बुरा हुआ। अगर मैं जल्दी से कर लूँ तो? नहीं, तुम हमारे कुकी नहीं छू सकते हैं। अब मैं कार्ड उठाती हूँ। ये मैं इसका बाइट ले सकती हूँ। अच्छा, मतलब मुझे चाटना होगा। मुझे खाने का मन था। आज किस्मत वाली सिर्फ मैं ही हूँ। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। सामंथा, मैं पहले जा सकती हूँ? हाँ, तुम्हें खाना थोड़ी ना है। खा नहीं रही हूँ, पर मैं इसका सबसे स्वादिष्ट फ्रॉस्टिंग चाट सकती हूँ। क्या? तुमने थोड़ा भी नहीं छोड़ा? चिंता मत करो, अब तुम ये मेरे थूक के साथ खाओगी। ये लो, अब तुम इसके मजे लो। कितना भयानक। छी, ऐसा लग रहा है कि किसी कुत्ते ने मेरा मुंह चाट लिया हो। अरे यार, मेरे ऊपर क्यों फेंका? उफ। चलो खोलते हैं। क्या इस बार मैं करूं? देखते हैं अंदर क्या है। ओ, लगता है ये कैक्टस है। शायद ये चॉकलेट हो। देखना होगा। नहीं, चुप गई, ये असली है। अरे कितना बुरा, मुझे पता है मैं मदद कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ कुछ बैंडेड है, तुम्हें इसकी ही जरूरत है। धन्यवाद जैक, तुम एक अच्छे दोस्त हो। लगता है अब समय आ गया है कार्ड उठाने का। ओके। वो ठीक है। ये बहुत अच्छा, मुझे ये नहीं छूना होगा, मुझे चाटना होगा। और मुझे इसका बाइट लेना होगा। क्या हो रहा है? चलो फिर तुम शुरू करो। मैं क्यों? तुम शुरू करो। नहीं तुम। क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हो? ये तुम्हारा है, नहीं तुम्हारा। बस बहुत हो गया, क्यों ना रॉक पेपर सीजर खेलकर मामला सुलझा ले। ओके। अच्छा आइडिया है, रॉक पेपर सीजर। मैं जीत गई। तो जैक, तुम्हें पहले यह चाटना होगा। अरे यार, ठीक है। कितना दर्द हो रहा है। ओह, बेचारा जैक। अरे ये बस मजाक था, देखो ये जीव असली नहीं है। कितने शरारती हो तुम। चलो अब असल में इस कैक्टस को चाटो। ठीक है, वैसे मैं रिस्क क्यों उठाऊं अगर मैं इस कैक्टस को एकदम ठीक कर सकता हूँ। अब ये बिल्कुल कटीला नहीं होगा। अरे ध्यान से। हाँ, सीधा उड़कर हमारे ऊपर आ रहे हैं। मैं कांटों में ढक गई हूँ तुम्हारी वजह से जैक। अब मैं आराम से इस कैक्टस को चाट सकता हूँ और एम्बर इसका बाइट लेगी। हाँ, खाकर देखती हूँ। मेरा कोई काम भी नहीं था, पर फिर भी मैं कांटों में ढकी हुई हूँ। जैसा भी हो, कैक्टस का स्वाद बहुत बुरा होता है। फिर से मेरे ऊपर क्यों? क्या हो रहा है? सब एम्बर ने किया है। यह कैसी बदबू है? लगता है ढक्कन के नीचे से आ रही है। पता लगाना होगा अंदर क्या है। ओके। इसी बात का डर था, यह मछली है। छी, कितना बुरा। उफ, बहुत खराब। कार्ड उठाना होगा। उफ, मुझे ये चाटना होगा। ये मुझे कुछ नहीं करना है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। यह क्या हुआ? घर छोड़ो। ओके।
तो फिर मुझे यह खाना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, तुम्हें करना ही होगा, पर चलो पहले मैं चलता हूँ। यह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। मुझे डर लग रहा है, पर यह करना ही होगा। एक मिनट रुक जाओ, हम इंतजार नहीं करेंगे, मैं मदद करती हूँ। अब यह जल्दी कर रहा है। छी, कितना गंदा। तुमने हिम्मत कैसे की? मैं बदला लेकर रहूंगा। ये लो, अपनी मछली खाओ। ये तुमने क्या किया? मैं तैयार नहीं थी, मुझे उल्टी हो जाएगी। उफ, कितनी बदबू आ रही है। पर बस इतना ही नहीं है, अभी भी आधी मछली बची हुई है। मुझे छोड़ दो यार। ओह, चोट लग गई, या क्या किया? चलो खोलते हैं। हाँ चलो। वाह, कितना बड़ा केक, मुझे ये खाने का बहुत मन है। रुक जाओ, पहले कार्ड लेने होंगे। और यह तैयार है, ये लो। वाह, मैं चाट सकता हूँ, ये मैं खाऊंगी। उफ, मुझे कुछ नहीं मिला, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं भी केक खा कर रहूंगी। ओ, कितना स्वादिष्ट है, मैं तो ये दिन भर खा सकती हूँ। हाथ दूर रखो, यह तुम्हारा केक नहीं है। शेयर तो कर सकते हो। नहीं, यह हमारे लिए भी काफी नहीं है। क्या तुम भूल रहे हो, केक मेरा भी है। कितना स्वादिष्ट। बस जैक, अब तुम्हारा हो गया। What? तुम क्या कर रही हो? ओ, मेरे नाक पर केक है, बहुत अच्छा। तुम सही कह रहे थे, यह केक कमाल का है। सुनो सामंथा, क्या तुम मेरे साथ शेयर करोगी? Please. मैं कैसे दूं, यह केक मेरा है। अच्छा ऐसा है, तो यह लो। यह क्या किया? अब तुम यह लो। अरे मत फेंको। तुम दोनों मस्त लग रहे हो। पता नहीं अंदर क्या होगा। ओ, लगता नहीं कि इसका स्वाद अच्छा होगा। यह कितना खराब है, बहुत बुरा। मुझे ये खाना होगा। ये मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे क्या मिला है? ठीक है, इसे चाटना मुश्किल नहीं होगा। अगर मैं अपनी नाक पर पिन लगा लूँ, सच में कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर पिन हटा दिया जाए तो तब मजा आएगा ना। उफ, कितना गंदा, मेरी पिन वापस दो। जैक, अब तुम चलो। अरे नहीं, मैं ये नहीं खा सकता, ये बहुत खराब है। पर खाना ही होगा। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? चलो, मैंने खा लिया। आखिरकार ताजी हवा। हाँ, कितना अच्छा। तुम दोनों ज्यादा जल्दी खुश हो गए हो। अरे नहीं, फिर से वो बदबू, मुझे बचाओ। मैं गिर रही हूँ, बचाओ। उप्स, मैंने कुछ नहीं किया। चलो साथ में देखते हैं। वाह, अब्बा बाबा। हाँ, और अब बस कार्ड लेना बाकी है। मुझे क्या मिला है? What? Oh, no! मैं ये नहीं खा पाऊंगा। और मैं इस गम का पूरा मजा लूंगी। बहुत बढ़िया। चाटना, पर गम को तो चबाया जाता है। यह लो, पकड़ो, तुम पहले चलो। हाँ, क्यों नहीं। आशा है यह स्वादिष्ट होगा। वाह,
पर मैं सिर्फ इसे चाटू ही क्यों, अगर इसे पूरा खोला जा सकता है यह जरूर और अच्छा होगा। तुमने ये पूरा बर्बाद कर दिया। बस बहुत हुआ, ये मुझे दे दो। उफ़, अब ये कितना गंदा हो गया है। मुझे तो स्वादिष्ट लगा। नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगी, बहुत ही खराब है। अरे पर मैं इसके साथ क्या करूँगा। सबसे पहले देखूंगी कि तिजोरी में क्या है। अजीब, ये खाली है। क्या यहाँ कुछ नहीं है? कॉकरोच, वो सीधे मेरे ऊपर रेंग रहा है, इसे हटाओ। अरे देखो ये उतना डरावना भी नहीं है, कितना प्यारा है। तुम्हें पता है ना कि क्या करना है? नहीं मैं नहीं करूँगी, देखो कितनी खौफनाक है, उसकी एंटीना भी है। What? जब तक तुम तैयार हो रही हो मैं अपनी तिजोरी खोलती हूँ। Okay. और मैं भाग्यशाली हूँ, देखो मेरे पास कितनी बड़ी ओरियो कुकी है, बहुत अच्छा। और मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाह, कितना सुंदर और सामान्य जादू की छड़ी, देखते हैं कि वह क्या करती है। कितना अच्छा है, इसके साथ मैं तुम लोगों को हवा में उड़ा सकती हूँ। तो एक अच्छी सवारी है। नहीं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो ऐसा मत करो। तुम अपनी छड़ी के साथ खेल सकती हो और मैं अपने बड़े ओरियो कुकी के साथ खेलूंगी। क्या तुम मुझे भी थोड़ा दे सकती हो? नहीं ये सिर्फ मेरे लिए है, ये कितना स्वादिष्ट है। तो ऐसी बात है, तो मेरे पास बदला लेने के लिए भी एक अच्छी योजना है। तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हें एक तिलचट्टा तुम्हारे कुकी पर बैठ जाए? मैं कुछ नहीं कहूँगी, तिलचट्टा बहुत प्यारा है। क्या? कुछ नहीं, मैं फिर भी तुम्हारा कुकी लूंगी, मैं इसे अपने मुंह में डालूंगी। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? चोर कहेगी। केवल एक ही मनोरंजन बचा है, एम्मा को तिलचट्टा के साथ देखना। ये तुम्हारे लिए मजेदार है लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूँ। लेकिन जाहिर तौर पर मुझे इसे तेजी से करना पड़ेगा। एम्मा मुझे पता था कि तुम बहादुर हो। नहीं मैं इस तिलचट्टे को यूं ही उड़ने नहीं दूंगी। यहाँ एम्मा तुमको अभी भी इसे खाना होगा। धन्यवाद सामंता, छी कितना खराब है, और मैं सोचती थी कि हम दोस्त हैं। वैसे यहाँ मेरे मन में भी एक बहुत ही रोचक विचार आया है, क्योंकि मेरी छड़ी किसी भी चीज को उड़ा सकती है तो ये मेरे लिए ट्रीट्स को भी उड़ा सकती है। देखो यहाँ अलग अलग कैंडी का ढेर है, मैं दुनिया की सबसे खुश लड़की हूँ। चूंकि वहाँ बहुत सारी कैंडी है, मुझे लगता है कि अगर मैं एक चॉकलेट ले लूँ तो कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि मेरे लिए काफी है, सभी के लिए पर्याप्त है, भले ही तुम कैंडी का एक पूरा पहाड़ लो। तुमने क्या किया, तुमने मेरी छड़ी तोड़ दी। अब मैं बस वही खा सकती हूँ जो पहले से ही यहाँ है। हाँ ये एक पूरे साल के लिए काफी है। इस बार मैं सबसे पहले खोलूंगी, ऐसा लगता है कि मेरे लिए कुछ अच्छा है। बिल्कुल सही, मेरे पसंदीदा कोला की एक पूरी बोतल। अचानक से गायब हो गया, मैं डर गई। खैर अब मेरा कोला ढीला हो गया है। एलिस कहती हूँ चाहती मैं इसे तुम खोलूं। नहीं कोई जरूरत नहीं है, चिंता मत करो सब कुछ ठीक है। मैं भाग्यशाली थी कि कोला बोतल से बाहर नहीं निकला। अरे नहीं, उन्हें कैसे पता चला कि वास्तव मुझे क्या पसंद नहीं है? मुझे नींबू से नफरत है और मुझे यही मिला है। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, बहुत बदकिस्मत। पता नहीं मेरे पास क्या होगा, उम्मीद है कुछ जादुई हो। वाह ये कैंडी बादल है, मैंने इसे पहले केवल कार्टून में ही देखा था। अपने हाथ हटाओ, ये सब मेरे लिए है। मैं तुम्हें मेरे कैंडीज को चुराने नहीं दूंगी, वो मेरे और सिर्फ मेरे हैं। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मेरे पास ये कोला है। वाह इतना कोला पी के वो फूल जाएगी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लड़कियों हट जाओ। ओ छी कितना गंदा महक रहा है, तुम शिष्टाचार नहीं सीखी हो? बस इतना ही नहीं, अभी और बाकी है। हाँ हम तुम्हारी डकार से अब उड़ रहे हैं, कितना खराब है। बात का काम ज्यादा, एम्मा तुम अभी तक क्यों नहीं खा रही हो?
क्योंकि मुझे नींबू से नफरत है। हालांकि मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैं नींबू से स्वादिष्ट रस बना सकती हूँ तो मैं इस खट्टे चीज को क्यों खाऊं? बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि रस नींबू से कम खट्टा होगा? अब तुम ही इसे सुनिश्चित करो, तुम बस आनंद लो। Oh no! Hey you! Oh, ऐसा लगता है कि तुम सही थी। इस रस को तो मुंह में भी रखना नामुमकिन है। तुम क्या कर रही हो? तुमने हमें गीला कर दिया है। हाँ छी, आँखों में भी। मुझे आश्चर्य कि मेरी कैंडीज कहाँ है। बादल, तुम मुझे मेरी कैंडीज दे दो। हाँ, अब मेरे पास बहुत सारे स्किटल्स हैं। हाँ, ये सभी के लिए पर्याप्त है। सोचना भी मत, ये मेरा बादल है, इसलिए मैं इसे तुम्हारे साथ साझा नहीं करने वाली हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसे ले सकती हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकती, ये मेरा था और मेरा ही रहेगा। चूँकि तुम सब मेरा स्किटल्स खा ही लिए हो, तुम्हें पता चल गया होगा कि ये सबसे अच्छा होता है। इस बार मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है? ऐसा लगता है कि फिर से कुछ बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही, देखो क्या स्वादिष्ट और चमकीला डोनट है। आप इसे न केवल खा सकते हैं बल्कि इसके साथ खेल भी सकते हैं। ओ, मुझे इसे पकड़ना सीखना होगा। अरे, ये तिजोरी कहाँ गई? लेकिन अब मुझे परवाह नहीं है, मुझे बस यही स्वादिष्ट डोनट से मतलब है। इतना स्वादिष्ट? हाँ, मुझे भी एक बाइट दो। बिल्कुल नहीं। अरे, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी उंगली काट ली है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। डरो मत, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आश्चर्य कि मेरे लिए क्या है। okay. अरे नहीं, ये कुछ खराब होने वाला है। मैं फिर से बदकिस्मत हूँ, मुझे मुर्गे के अंडे से नफरत है, खास करके जब ये कच्चे हो। मैं इनके साथ क्या करूँ? मुझे अपनी मदद करने दो। माफ करना, देखो कितने स्वादिष्ट अंडे। चलो, उन्हें खाने का समय हो गया है। मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। देखो कितना प्यारा है, अब ये मेरा है। मुझे भी ऐसा पालतू जानवर चाहिए। ओके। ओ, मेरा सिर्फ अंडा ही क्यों है? क्योंकि अच्छी लड़कियों को ही चूजे मिलते हैं। पता नहीं मेरी तिजोरी में क्या है। ऐसा लगता है कि किसी तरह का बम है। What? क्या बम? हमें तुरंत छिपना चाहिए, मदद करो। शायद मैं उसे बेअसर कर सकती हूँ। मेरे पास वायर कटर है। ओ, मुझे लगता है कि मैंने केवल चीजों को और खराब कर दिया है। वाह, देखो कितनी मिठाइयाँ हैं, कैंडीज हैं। ऐसा लगता है कि एक कैंडी बम था। वाह, और मेरे चूजे का भी एक चॉकलेट अंडे का भाई है।